मेरे देवर के पास अचानक से ना जाने कहाँ से पैसा आ गया था। हमारा ताल्लुक गरीब घराने से था, लेकिन अचानक से इतना ज़्यादा पैसा आना मेरी समझ से बाहर था। मैं विधवा थी, मेरा नाम प्रिया है। कुछ साल पहले मेरे पति का देहांत हो गया था और मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मेरा एक बेटा था 8 साल का। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी, अब मेरी उम्र 30 साल की थी। पति के देहांत के बाद मेरे पास सिर्फ देवर का सहारा था। मेरे मायके में सिर्फ मेरी माँ थी जो मेरी शादी के अगले साल ही दुनिया से चली गई थी। बाकी किसी रिश्तेदार से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे और मेरे बेटे को सहारा देंगे। इसीलिए मैंने देवर के साथ रहने का फैसला कर लिया। मेरे दूर के रिश्तेदार आकर मुझे समझाने लगे कि एक छत के नीचे देवर के साथ नहीं रहना चाहिए, तो मैं उनसे कहती कि आप मुझे अपने घर में रख लें। लेकिन मेरी ये बात सुनकर वो सब खामोश हो जाते। आज के ज़माने में कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, लेकिन मेरे देवर ने मुझसे वादा किया कि वो मेरा और मेरे बेटे का सहारा बनेगा। एक बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई थी कि लोगों को सिर्फ बातें बनानी आती हैं। अगर लोगों को मेरी वाकई में इतनी फिक्र होती तो वो मुझे सहारा देते, लेकिन उन सबको मेरी कोई फिक्र नहीं थी। उनका मकसद सिर्फ मुझे परेशान करना था और कुछ नहीं। एक दिन मेरे देवर ने कहा कि इस इलाके का माहौल सही नहीं है। मैंने इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी हैं। आप मेरे भाई की इज्जत हैं और मेरी भी इज्जत हैं। मेरा भतीजा मेरे मरे हुए भाई की एक ही निशानी है और मैं उसकी देखभाल करने के लिए काफ़ी हूँ। उसकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। अपने देवर की बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई थी, लेकिन मुझे जमाने की बातों ने परेशान किया हुआ था। फिर मेरे देवर ने राय दी कि हम ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं शहर छोड़कर यहाँ आ गई। यहाँ पर हमें कोई जानता नहीं था और हमने किसी से बात भी नहीं की और रिश्ता भी नहीं रखा, क्योंकि हमारे रिश्ते पर फिर से सवाल उठाए जाते। अगर मोहल्ले की औरतें मेरे घर आती, मेरे देवर और मेरे रिश्ते के बारे में सवाल करती, तो मैं उन्हें यही जवाब देती थी कि वो मेरा छोटा भाई है। फिर इस मोहल्ले में ये बात मशहूर हो गई कि मैं अपने भाई के साथ इस घर में रहती हूँ, इसीलिए यहाँ हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। मेरे पास मेरी शादी का जेवर था जिसे बेचकर हम लोग यहाँ आए थे। आते ही मेरे देवर ने अपना कारोबार करना शुरू कर दिया था और उसका कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। घर में बहुत सारा पैसा आने लगा। मैंने कई बार देवर से उसके कारोबार के बारे में पूछा, लेकिन उसने हर बार जवाब टाल दिया। फिर मैंने भी ज़्यादा पूछताछ नहीं की। मेरे लिए इतना काफ़ी था कि पैसे आ रहे थे। मेरा देवर एक अच्छा इंसान था, मुझे उससे किसी गलत काम की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने ज़्यादा छानबीन नहीं की। देवर के पास बहुत सारा पैसा आ गया और फिर हमने ये मोहल्ला छोड़कर एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया। अब हम बड़े घर में रहने लगे थे। हमारा रहन सहन अमीरों वाला हो गया था। ज़्यादा पैसे आने की वजह से सारे रिश्तेदार बार बार हमारे घर आने लगे। मेरे देवर की शादी नहीं हुई थी और मेरे देवर का पैसा देखकर सबकी आंखें चमकने लगीं और मैं उन सबकी आंखों में खटकने लगी थी। वो लोग जिन्हें पहले देवर के साथ रहने पर एतराज़ था, अब तो और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे। कुछ ने तो ये कह दिया कि देवर के साथ शादी कर लो वरना अलग रहो, तुम्हारा उसके साथ रहना सही नहीं है। सबकी बातों ने मेरा दिल दुखाया था। वाकई में मेरा उसके साथ रहना सही नहीं था, लेकिन उन्हीं लोगों से जब मैं कहती कि मुझे अपने साथ रख लो तो वही लोग आंखें फेर लेते। बड़े घर में आने के बाद मैंने एक बूढ़ी नौकरानी रख ली थी जो हर वक्त हमारे साथ रहती थी, यानी कि मैं घर में अब अकेली नहीं रहती थी। अमीर होने के बाद फिर देवर ने एक और काम करना शुरू कर दिया। वो हर महीने 50 लड़कियों की शादी करवाता। वो लड़कियाँ बहुत गरीब घराने से होती थी। फिर शादी करवाने के बाद इस कपल को हनीमून के बजाय तीर्थ यात्रा पर भेज देता और सारा खर्चा खुद उठाता। देवर के इस काम से मैं बेहद खुश हो गई थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि जब भी लड़की तीर्थ के लिए जाती वापस विधवा होकर आती। मुझे परेशानी होने लगी क्योंकि ऐसा हर लड़की के साथ होने लगा था। ये बातें सुनकर मेरा देवर भी परेशान हो गया था कि कैसी ये अजीब किस्म की अनहोनी होने लगी थी। मेरे देवर ने कहा कि मैं इस बात को किसी लड़की को पता न चलने दूँ कि जो भी लड़की शादी के बाद तीर्थ यात्रा पर जाती है वो विधवा होकर वापस आती है। मुझे देवर की ये बात बहुत अजीब लगी थी। मेरे हिसाब से तो लड़कियों को मालूम होना चाहिए कि यात्रा से वापसी के वक्त उनके पति का देहांत हो जाता है, लेकिन मेरी इस बात पर जिंदगी में पहली बार मेरा देवर मुझ पर भड़क उठा था।
अचानक इस तरह के रवैये ने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था। उसके इस रवैये पर मैं हैरान रह गई। मेरे देवर ने आज से पहले मुझसे इस अंदाज में कभी भी बात नहीं की थी, बल्कि वो मुझे अपने भाई की विधवा मानता था और उसी लिहाज से वो मुझे अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया करता था। लेकिन आज जिस तरह से मेरे देवर ने मुझसे बात की थी, उसके इस रवैये पर मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था। मेरा देवर मुझसे बदतमीजी करके जा चुका था, जबकि मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर मेरे देवर को क्या हुआ है। मैंने अपने बेटे को खाना खिलाया और उसे सुला दिया, जबकि खुद की नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि मेरे देवर का रवैया दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा अजीब होता जा रहा था। मैंने अपने देवर को हमेशा नरमी से बात करते हुए देखा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे देवर का जो रूप मेरे सामने आ रहा था, वो किसी भी तरह यकीन करने वाला नहीं था। मैं हैरान रह गई कि मेरा देवर रात भर ना आया और मैं उसका इंतज़ार करती रही। कहीं ना कहीं अब मुझे इस बात पर शक होने लगा कि वो कोई ज़रूर गलत काम करता है, क्योंकि दिन ब दिन घर में इतना पैसा आना और अब जो हकीकत मुझे पता चली थी कि लड़कियों को तीर्थ यात्रा पर भेजना और उनके पति का देहांत हो जाना, ये तमाम सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। कड़ी से कड़ी मिलाने पर मुझे इस बात पर यकीन होने लगा कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। उस रात वह घर वापस नहीं आया। वो अगले 3 दिन से घर वापस नहीं आया था। मुझे अब काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगी थी कि आखिर मेरा देवर गया तो कहाँ गया था, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मेरा देवर 3-3 दिन तक घर वापस ना आए। मैं इसी बारे में सोच रही थी कि अचानक से घर का दरवाज़ा खुला। मैंने अपने कमरे से बाहर आकर देखा, मेरा 8 साल का बेटा अपने स्कूल गया हुआ था। दिन का वक्त था। मेरा देवर कभी भी मेरे कमरे में नहीं आता था, लेकिन आज इस हालत में मेरे कमरे में आया था। उसे देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरा देवर शराब के नशे में धुत था। मैंने आज तक अपने देवर को किसी गलत चीज़ को हाथ लगाते हुए भी नहीं देखा था। इस वजह से मेरे लिए काफ़ी बड़ा झटका था कि मेरा देवर शराब पी कर आया है। मेरे देवर के कदम लड़खड़ा रहे थे। मैं परेशान होकर उसका एक एक अंदाज देख रही थी। तभी वो अचानक ही मेरे पास आया और आते ही मेरे कदमों में गिर गया। मैं हैरान रह गई कि भला इसे अब क्या हो गया है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। शायद उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। वो बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था। मेरे कदमों में गिरते हुए अचानक से फूट फूट कर रोने लगा। मैं हैरान रह गई कि वो रो क्यों रहा है, जबकि रोते रोते वो बेहोश हो गया, यानी दोपहर के इस वक्त मेरे कमरे में आकर बेहोश हो गया। और अगर कोई इस तरह से मेरे कमरे में इसे देख लेता तो शायद मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाता। इस वक्त घर में वो और मैं अकेले थे। जो नौकरानी मैंने रखी थी वो आज छुट्टी पर थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरीके से अपने कमरे से बाहर निकालूं। लेकिन जो भी था, मुझे हर हाल में से अपने कमरे से बाहर निकालना ही था। मैंने जैसे तैसे करके उसे घसीटते हुए अपने कमरे से बाहर निकाला। वो अच्छा खासा मर्द था, मुझ जैसी कमज़ोर औरत से कैसे संभाला जाता। जैसे तैसे करके मैंने उसे उसके कमरे तक पहुँचाया और उसे मैं फर्श पर लिटा कर अपने कमरे में आ गई। मुझे याद आया कि रात के खाने के लिए सब्जी नहीं है, तो मैं बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। देवर के कमरे को मैंने ताला लगा दिया ताकि ऐसी हालत में वो कहीं और ना जा सके। 2 घंटे बाद मैं सब्जी लेकर जब घर वापस आई तो मेरा देवर अभी तक अपने कमरे में लॉक था। अपने बेटे को नहलाने के बाद मैंने उसे खाना खिलाया और वो ट्यूशन पढ़ने के लिए चला गया। उसके ट्यूशन जाते ही मैंने देवर के कमरे का ताला खोला तो देखा वो अब तक वैसे ही बेहोश पड़ा था। अब मुझे उसकी हालत पर हैरानी होने लगी थी, क्योंकि वो काफ़ी वक्त से ऐसे ही बेहोश पड़ा था। शायद शराब का नशा बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो अपने होश में नहीं आ पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि जिससे वो होश में आ जाए। फिर अचानक से मुझे एक ख्याल आया और मैंने फौरन वही किया जो मेरे दिमाग में आया। मैं किचन में गई, पानी का जग भरा और पानी लेकर देवर के पास पूरा का पूरा जग उसके चेहरे पर पलट दिया। एकदम से पानी गिरने की वजह से वो हड़बड़ा कर उठ गया, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से होश में नहीं था। मैंने उससे कहा कि फ़िलहाल तुम बेड पर सो जाओ, जब तुम होश में आ जाओगे तब मैं तुमसे बात करूंगी। मेरा देवर शायद वाकई में होश में नहीं था, इसी वजह से सर हिलाता बेड की तरफ बढ़ गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जबकि उसकी हालत देख कर मुझे अब रोना आने लगा था। तकरीबन रात के 12 बजे अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैं अपनी जगह से उछल पड़ी। मेरा बेटा सो चुका था।
मैंने एक नज़र उसको देखा और एक नज़र दरवाजे को। मुझे कहीं ना कहीं यकीन था कि दरवाजे पर मेरा देवर ही होगा। अब मुझे हर हाल में उससे वजह जाननी थी कि आखिर में वो क्या करता फिर रहा है। मैं धीरे से उतरी और अपने बेटे के आराम का ख्याल करते हुए धीमे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी खोलने के बाद मैं बाहर जाकर देखी तो मेरा देवर ही खड़ा था। उसकी झुकी नज़र इस बात का इकरार कर रही थी कि अपने किए पर वो शर्मिंदा है, लेकिन फिलहाल मुझे उसकी शर्मिंदगी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। मुझे इस बात को जानना था कि आज उसने इतना घटिया काम किया तो क्यों किया। मैंने उससे पूछा, तुमने शराब पी थी? जबकि इस बात पर वो मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उसने कहा, मैंने जानबूझकर शराब नहीं पी थी। वो तो मेरे दोस्तों ने मुझे ये कहकर पिला दिया कि ये सिर्फ एक सादा शरबत है। मुझे नहीं पता था मेरे अमीर दोस्त मुझे कोई नशा और दवाई मिलाकर पिला देंगे। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता तो यकीनन मैं वो जूस हरगिज न पीता। मुझे अपने देवर के इस बात पर यकीन आ गया था, क्योंकि ये बात तो मैं पहले दिन से ही जानती थी कि मेरा देवर बिल्कुल गलत इंसान नहीं है। तो तुम इस तरह के अमीर दोस्तों से दोस्ती ख़त्म कर दो। लेकिन मेरी ये बात सुनकर उसने अचानक से अपना सर उठाया और जिन नज़रों से उसने मुझे देखा तो एक पल के लिए मुझे हैरान कर गया। और फिर जब वो बोला तो उसके अल्फाज मुझे हैरान कर गए। वो कहकर रुका नहीं था, बल्कि अपनी पूरी बात करके वहाँ से चला गया था। जाते जाते ये भी कहा कि मैं अब तकरीबन एक हफ्ते तक घर नहीं आ सकूँगा। इस एक हफ्ते में उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसे उसे पूरा करना है। मैं उससे पूछना चाहती थी कि आखिर वो क्या काम करता है जिसकी वजह से उसके पास इतना पैसा आ रहा है, और ये कौन सा प्रोजेक्ट है जिसे उसे एक हफ्ते के अंदर ही पूरा करना है। लेकिन मेरी बात सुनने से पहले अपनी बात कहकर वो वहाँ से जा चुका था। उसकी कई बातें मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि उसने कहा था कि उसके अमीर दोस्तों की वजह से ही उसके घर इतनी दौलत आ रही है। उसके अमीर दोस्तों ने ही तो इस काम को बताया था जिसके बदौलत वो चंद महीनों में ही इतना अमीर हो गया है, और अब वो किसी भी कीमत पर इस काम को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस काम को अपनाना तो बहुत आसान है लेकिन इस काम से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। उसके अल्फाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे थे। आज पूरे 3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन मेरे देवर का कोई अता पता नहीं था। मुझे नहीं पता कि आखिर मेरा देवर कहाँ गया है और क्या काम कर रहा है जिसकी वजह से उसे चंद दिनों में ही इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। मैं हैरान परेशान थी। एक हफ्ते बाद मेरा देवर घर वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि आखिर वो एक हफ्ते तक कहाँ था। तो उसने मुझे बताया कि वो एक हफ्ते से दुबई गया हुआ था। उसकी ये बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि उसने तो मुझे बताया ही नहीं था कि वो शहर से बाहर जा रहा है, और ज़िंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि वो मुल्क से बाहर गया था। तो मैंने उससे पूछा कि आखिर एक हफ्ते में दुबई में क्या कर रहे थे। मेरी बात सुनकर उसने एक बहुत ही खूबसूरत सा सोने का हार मेरे सामने किया, जिसे देखकर मेरी आंखें चमक गई, क्योंकि रात में इस वक्त खूबसूरत लाइट की रोशनी में वो सोने का हार चमक रहा था। उस हार को देखते ही उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। यकीनन वो बहुत ही महंगा हार था। मैंने अपने देवर से पूछा कि वो ये कहाँ से लाया है। तो उसने कहा कि दुबई के शेख ने उसे तोहफे के तौर पर दिया है। तो मुझे उसकी इस बात पर हैरत हुई, भला इतना महंगा तोहफा कोई बिना वजह क्यों देगा। मैंने उससे वजह पूछनी चाही तो उसने कहा कि आप आम खाएं, गुठलियाँ मत गिनिए, यह हार मैं आपके लिए लाया हूँ तो बेहतर है इसे मेरी तरफ से तोहफा समझ कर रख लें। लेकिन मैंने अपने देवर से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम क्या काम करते हो, तब तक मैं ये हार नहीं रखूंगी। जबकि मेरी इस धमकी पर मेरा देवर परेशान हो गया और वो हार लेकर वहाँ से चला गया। मुझे अब हकीकत जाननी थी, क्योंकि आज से पहले मेरे देवर ने कभी भी मेरा कोई हुक्म नहीं टाला था, और आज वो यहाँ से इस तरह से चला गया था बगैर कोई जवाब दिए। वक्त आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था और उसके सारे मामले को 1 साल गुजर चुका था। अब अक्सर ही मेरा देवर मुल्क से बाहर जाने लगा था, कभी दुबई तो कभी कहीं और। जब भी मैं पूछती तो वो मुझे यही कहता कि आप परेशान न हो, बस आपकी ज़रूरत की चीज़ आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगी। एक दिन वो मुझे कह कर गया कि वो दुबई जा रहा है। मुझे कुछ न कुछ गलत लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो दुबई नहीं बल्कि कहीं और जा रहा है। उसी वजह से मैंने उससे ज़िद की कि मैं भी तो विधवा हूँ, मुझे भी तीर्थ यात्रा पर भेज दो। पहले तो मेरी बात सुनकर वो हैरान रह गया, फिर अगले ही महीने उसने मुझे तीर्थ यात्रा पर भेज दिया।
लेकिन शायद वो मुझे अकेले भेजना चाहता था। लेकिन हकीकत में मैं उन्हीं लड़कियों के साथ मिलकर तीर्थ यात्रा पर चली गई। लेकिन तीर्थ यात्रा पर पहुँचते ही जो मैंने देखा उसने मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि मैं तीर्थ यात्रा पर नहीं बल्कि उन लड़कियों के साथ साथ मैं भी दुबई पहुँच गई थी। लेकिन मेरे देवर ने मुझे वहाँ देख लिया था और उसने पहली फुर्सत में मुझे वहाँ से निकाल कर वापस भेज दिया। उसने मुझसे कहा था कि वो अभी कुछ दिन दुबई में रहने वाला है और वापस आकर मुझे सब कुछ बता देगा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि एक दिन अचानक से मेरे घर का दरवाज़ा बजा तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं आता था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं डर गई। मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि सामने मेरा देवर खून से सना पड़ा था। उसकी सफ़ेद रंग की शर्ट खून से तर थी और चेहरे पर भी खून लगा हुआ था। उसके माथे से खून की बूंदें टपक कर घर के मार्बल के फर्श पर गिर रही थी। मैंने फौरन से जब पूरा दरवाज़ा खोला तो वो लड़खड़ा कर कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। मैंने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। अगले दिन सुबह जब उसकी आँख खुली तो मैंने उससे पूछा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, अगर वो नहीं बताएगा तो मैं घर छोड़ कर चली जाऊँगी। मेरा देवर मेरी तरफ देख कर मुस्कुराया और कहने लगा कि गलत का अंजाम भी बुरा ही होता है। मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा था तो उसकी सजा तो भुगतनी ही थी। मैंने अपने रब से दुआ मांगी थी कि मेरे गुनाहों की सजा मुझे इसी दुनिया में मिल जाए। उस दुनिया की सजा बहुत मुश्किल होती है। वो रोते हुए बोला, मैं लड़कियों की शादी नहीं करवाता था बल्कि मैं दुबई के गैंग के लिए काम करता था। गरीब घराने की लड़कियों को शादी के जाल में फंसा कर डान के आदमियों से उनकी शादियाँ करवाया करता था और शादी के बाद उन्हें तीर्थ यात्रा के नाम पर दुबई भेज दिया जाता था। जैसे ही वो लड़कियां दुबई पहुंचती थी तो उन्हें बेच दिया जाता था। 1 या 1.5 हफ्ते तक उन्हें इस्तेमाल करने के बाद ये कहकर उन्हें वापस भेज दिया जाता कि उनका पति मर चुका है, क्योंकि ये बात तो वो लड़कियां खुद भी नहीं जान पाती थी कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या वही उनके असली पति हैं या नहीं। उन्हें तो बस ये बताया जाता था कि उनकी शादी इस आदमी से हुई है, लेकिन असल हकीकत तो ये थी कि दुबई का डान उन लड़कियों को बेच देता था जिसकी मुंह मांगी कीमत उसे मिलती थी। इस काम के लिए अलग अलग मुल्कों से लड़कियों का इंतजाम किया जाता था और इसी तरह हमारे इलाके से मैं और मेरे वो अमीर दोस्त भी ये काम करते थे। हम लोग उन गरीब लड़कियों को शादी का लालच देकर दुबई भेज देते थे और वहाँ उनके साथ क्या होता था वो ये लड़कियाँ खुद भी समझ नहीं पाती थी, क्योंकि वो जिन लोगों के साथ रहती थी उन्हें यही लगता था कि वे उनके पति ही हैं, लेकिन हकीकत में उनके पति नहीं होते थे बल्कि वो लड़कियां उन्हें बेची गई होती थी। मुझे इस बात का एहसास हो गया था, इसी वजह से मैंने उनसे माफ़ी मांग ली थी और दुबई के डान को मना कर दिया कि अब से ये काम नहीं करना चाहता हूँ। इस वजह से उसने अपने बंदे भेजकर मुझ पर हमला करवाया और मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे करके मैं वहाँ से बच गया। अपने देवर की सारी बातें सुनकर मुझे अब उससे नफरत महसूस होने लगी थी, क्योंकि वो 1-2 नहीं बल्कि अनगिनत लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। फिलहाल मैं उसको माफ़ करने का कोई इरादा नहीं रखती थी। इस वजह से मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसके लिए यही सज़ा बेहतर थी, क्योंकि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इस वजह से उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई। मैंने वो घर छोड़ दिया था क्योंकि वो मेहनत के पैसों की कमाई से नहीं खरीदा गया था। बुरे कामों का बुरा ही अंजाम होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।